शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार में वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार है कि किसी समय अवंतिकापुरी में वेदपाठी तपस्वी एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा, वहां आकर खूब अत्याचार करने लगा। वो असुर ब्रह्मा जी से वर पाकर खूब शक्तिशाली बन गया था। उसके अति अत्याचार के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर एक हुंकार मात्र से उस दरुण अत्याचारी दानव को चलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय। महाकाल का यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल नाम से स्थित है। यहाँ लोग दूर दूर से महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करके जाते हैं। यहाँ आज भी चमत्कार होता है। Please press subscribe and bell button. And never miss